हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रम। सो सेरिब्रम किसके अंदर आता है? सेरिब्रम फोर ब्रेन यानी कि प्रोजन सेफलोन के अंदर आता है। फोर ब्रेन में भी दो रीजन आते हैं, टेलिन सेफलोन एंड डायन सेफलोन। सो सेरिब्रम किस में आता है? टेलिन सेफलोन में। सो सेरिब्रम इज द प्रिंसिपल लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन का हमारा ये है सेरिब्रम। ये जो लार्जेस्ट पोर्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है सेरिब्रम। सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लस ये प्रिंसिपल पार्ट है। जैसे हमारे कॉलेज या स्कूल में प्रिंसिपल होता है जो कि हेड होता है स्कूल या कॉलेज का, ऐसे ही ब्रेन का जो हेड है वो क्या है? सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज द प्रिंसिपल मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है एंड सबसे एंटीरियर पार्ट है किसका? ब्रेन का। अकॉम्पनी 2/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का तो ये कितना पोर्शन कवर कर रहा है ब्रेन का? 2/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। सो जो टोटल वेट है ब्रेन का अराउंड 1.5 kg, उसका 2/3 पोर्शन कौन कवर करता है? सेरिब्रम। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। लोकेटेड इन फ्रंट एरिया ऑफ स्कल एंड टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। सो हमारा जो ब्रेन है वो स्कल में एंक्लोज्ड है। सो ये किस में? फ्रंट एरिया ऑफ स्कल में लोकेटेड है, फ्रंट पोर्शन में एंड टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। सो ये है ब्रेन स्टेम, जिसमें क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, इन तीनों को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम के टॉप पर ये लोकेटेड है एंड लाई इन द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। सो वट इज क्रेनियल फोसा? सो हमारे जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी क्या है? स्कल के अंदर क्रेनियल कैविटी है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, लोकेटेड है। सो क्रेनियल कैविटी में 3 depression होते हैं। 3 depression मतलब 3 दबे हुए पोर्शन होते हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल फोसा। सो वो क्रेनियल फोसे कौन सी है? 3, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सो जो एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा है उसमें क्या आता है? सेरिब्रम। जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसमें क्या आता है? पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सो हमारा सेरिब्रम किसमें एंक्लोज है या किसमें प्रेजेंट है? एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसे में। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं? सो सेरिब्रम परफॉर्म्स हायर फंक्शन। जितने भी हायर फंक्शंस हैं वो सेरिब्रम परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, टच को इंटरप्रेट करना, टच को फील करना, विजन, कुछ देखना, हियरिंग सुनना, स्पीच बोलना, रीजनिंग, जैसे रीजनिंग होती है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना कैसे होता है, इमोशंस हमारे, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। जो भी फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है वो कौन परफॉर्म करता है? सेरिब्रम। सो सेरिब्रम में बहुत सारे सब रीजन्स हैं, मतलब सेरिब्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंदर, सब पार्ट, सब रीजन्स। सो सबके एक एक फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन पूरा सेरिब्रम एक तरह से मतलब मिलकर इंटीग्रेशन में फंक्शन करता है। सो हर सब रीजन्स का अलग अलग फंक्शन है, जिसको मैं फर्दर वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि इनके फंक्शंस क्या हैं। बाकी सुपरफिशियल अगर फंक्शंस देखे जाए तो सारे ये वाले फंक्शन सेरिब्रम परफॉर्म करता है। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 C-shaped सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रम ये लेटरल व्यू है, साइड व्यू है सेरिब्रम का, एंड ये फ्रंट व्यू है। इसमें हम देख सकते हैं कि सेरिब्रम के 2 hemispheres हैं, 2 cerebral हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? एक तो पूरा स्फीयर होता है यानी पूरा सर्कल। हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ सर्कल या हाफ स्फीयर। सो सेरिब्रम के 2 hemispheres होते हैं यानी 2 half of circles होते हैं, 2 parts होते हैं जो सी शेप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? 2 C-shaped सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं जो कि बीच में से कौन डिवाइड करता है इनको? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा ये सेरिब्रम 2 cerebral हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या है? फिशर क्या होता है? जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम की आउटर लेयर, वो अंदर ऐसे इनफोल्ड हो जाती है, इनफोल्ड। सो ये इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? फिशर या फिर गायरी। सो एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर मतलब बीच में एक लॉन्ग फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो कि 2 cerebral हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। ये एक डीप ग्रूव होता है, डीप ग्रूव यानी डीप फोल्ड, डीपली फोल्ड हुई हुई है मेम्ब्रेन जो कि 2 cerebral हेमिस्फीयर्स को डिवाइड कर रही है। अब लाइंग विद इन इट इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ ड्यूरा मैटर कॉल्ड फॉक सेरेब्री। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये है लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो कि 2 cerebral हेमिस्फीयर्स को डिवाइड कर रहा है। इसके बीच में क्या होता है?
अब जो हमारा ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, मेनिंजेस। सो मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर एंड सबसे इनर पाया मैटर। सो जो ड्यूरा मैटर होती है वो इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाती है। सो इस तरह से अंदर फोल्ड होकर ये क्या बनाती है, फॉक्स सेरेब्री। जब ये अंदर फोल्ड होती है लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर तो इसको बोलते हैं फॉक्स सेरेब्री। सो जो हमारा दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो किससे डिवाइडेड है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर से, दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर है और लॉन्गिट्यूडनल फिशर के बीच में भी क्या है, फॉक्स सेरेब्री। फॉक्स सेरेब्री किससे बनी है, ड्यूरा मैटर की इनफोल्डिंग से। नाउ सेरिब्रम के 2 रीजन होते हैं, एक होता है आउटर रीजन एंड एक होता है इनर। जो आउटर रीजन है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो ये आप आउटर देख रहे हैं, ये है सेरिब्रम। सो ये आउटर रीजन ये कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इसका इनर मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीप में क्या होता है, इनर कोर। सो आउटर कॉर्टेक्स किसका बना है ये देख लेते हैं। आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज। सो ये अगर मैं एक न्यूरोन का डायग्राम ड्रॉ करूं रफली, सो ये क्या है, एक न्यूरोन। फॉर एग्जाम्पल एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, न्यूरॉन का ये वाला रीजन क्या है, न्यूरॉन सेल बॉडी। सो ये जो सेल बॉडी है इससे बना है आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो ये सेल बॉडीज क्या बनाती है, ग्रे मैटर, कंपोज ऑफ नर्व सेल बॉडीज यानी ग्रे मैटर। सो नर्व सेल बॉडीज से क्या बनता है, ग्रे मैटर। सो आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका बना है, ग्रे मैटर का। इनर कोर, इनर कोर किसका बना है, इनर किस में होता है, डीप विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीप में क्या प्रेजेंट है, इनर कोर। सो ये जो ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है, सो ये इनर कोर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। ये किससे बना है, कंपोज ऑफ नर्व फाइबर्स। सो नर्व फाइबर्स क्या है, ये जो बचा हुआ पार्ट जिसमें क्या आ रहा है, ये एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। सो ये क्या है, नर्व फाइबर्स। सो एक्सॉन से बना हुआ पार्ट क्या कहलाता है, व्हाइट मैटर। सो नर्व सेल बॉडीज का जो एक्सॉन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। सो अंदर क्या प्रेजेंट है, इनर में क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रम के व्हाइट मैटर और आउटर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर। अब व्हाइट मैटर में क्या होता है, अ थिक बैंड ऑफ व्हाइट मैटर जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर। अब ये जो इनर व्हाइट मैटर का बना हुआ है पार्ट सेरिब्रम का, इसमें एक थिक बैंड होता है, मतलब थिक मटेरियल का एक बैंड होता है जो कि व्हाइट मैटर से ही बना हुआ है, ये थिक बैंड। इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम व्हाइट मैटर का ही बना है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। सो ये फ्रंट व्यू से देखिए, ये है कॉर्पस कैलोसम जो कि मैंने, वैसे तो व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट मैटर से बना है, मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है। सो ये कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है, अलो कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर। सो दोनों हेमिस्फीयर में आपस में कम्युनिकेशन रहे उसके लिए कॉर्पस कैलोसम यानी व्हाइट मैटर का ही थिक बैंड यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर में आपस में कनेक्ट कर रहा है कॉर्पस कैलोसम। नाउ व्हाट इज गायरी एंड सल्काई। सो आपने ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि अपर या आउटर पार्ट है सेरिब्रम का, उसमें देखोगे बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स हैं। सो ये फोल्ड्स क्या हैं, ये बहुत सारे फोल्ड्स हैं इसमें सेरिब्रम कॉर्टेक्स में। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फोल्ड्स, द सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस है, इन फोल्ड्स, इन फोल्ड्स मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है टू क्रिएट गायरी एंड सल्काई। सो जो सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग है, इसमें इन फोल्डिंग्स हैं। सो इनको क्या कहते हैं, गायरी एंड सल्काई। सो गायरी क्या है, रिजेस है, रिजेस यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट जो बाहर से दिखाई दे रहा है। सो ये है हमारी गायरी, उभरा हुआ पार्ट जो ऊपर की तरफ फोल्ड हमको दिखाई दे रहा है। एंड सल्काई, सल्काई क्या है, डीप लाइन्स। सो ये डीप लाइन्स जो कि गायरी को सराउंड किए हुए हैं, ये क्या है, सल्काई। ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये है गायरी जो कि फोल्ड, जो कि उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है और बीच में सेंटर में क्या है, सल्कस। सल्कस एक सिंगल को कहते हैं, गायरस भी सिंगल को कहते हैं और प्लूरल को क्या कहते हैं, गायरी और सल्काई। सो सल्कस यानी सल्काई ने क्या किया हुआ है, सल्काई सराउंड्स अ गायरस क्रिएटिंग फोल्ड्स। सो सल्काई ने गायरस को सराउंड किया हुआ है। सो ये सराउंडिंग में बीच में लाइंस जो है ये क्या है, सल्कस, और ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या है, गायरस यानी रिजेस। सो ये क्या बनाती है, फोल्ड्स बनाती है, फोल्ड्स इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब फिशर क्या होता है, सो ये तो हो गया गायरी एंड सल्काई। फिशर क्या है, जब ये जो सल्कस है और डीप चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप
जो सल्कस होते हैं सल्काई, उनको बोलते हैं फिशर। अब ये डीप सल्काई क्या करती हैं, ये जो डीप सल्काई या गायरस हैं ये क्या बनाती हैं, फिशर्स। सो ये फिशर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फोर लोब्स में डिवाइड करते हैं। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फोर लोब्स में ये फिशर डिवाइड करते हैं। ये फोर लोब्स कौन से हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब ये फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब, ये नाम कैसे पढ़ रहे हैं, ये नाम ऐसे पढ़े हैं कि जो क्रेनियल कैविटी की फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन में जो लोब है वो फ्रंटल लोब है, पेराइटल बोन में जो लोब है वो पेराइटल, ऑसिपिटल बोन में ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल बोन में टेम्पोरल लोब। सो अब ये जो फ्रंटल, पेराइटल एंड ऑसिपिटल लोब है, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है। सो ये है रेड कलर का फ्रंटल लोब, ये है पेराइटल लोब ग्रीन कलर का फ्रंटल के पीछे। सो फ्रंटल के नीचे साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब ब्लू कलर से शो किए हुए हैं एंड सबसे पीछे हमारा कौन सा है, ऑसिपिटल लोब, जो कि मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। अब ये जो सेरिब्रल फिशर है जो इन फोर लोब्स को डिवाइड करती हैं, सेरिब्रल फिशर क्या है, वो डीप ग्रूव्स या फिर डीप सल्काई जिन्होंने सेरिब्रम को डिवाइड किया हुआ है इन लोब्स में। सो मेन सेरिब्रल फिशर कौन से है, फर्स्ट है लेटरल फिशर। सो लेटरल फिशर कहाँ पर है, ये है लेटरल फिशर, ये वाला, ये है लेटरल फिशर, ये किसके बीच में है, बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। सो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में जो फिशर है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल फिशर। इसका दूसरा नाम क्या है, फिशर ऑफ सिल्वियस। सेकेंड है सेंट्रल फिशर, सेंट्रल फिशर किसके बीच में है, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल लोब। सो ये है सेंट्रल फिशर, ये वाला। सो ये किसके बीच में है, फ्रंटल लोब के बीच में और पेराइटल लोब के बीच में। थर्ड है पेराइटो ओसिपिटल फिशर, पेराइटो ओसिपिटल फिशर नेम से ही क्लियर है किसके बीच में, पेराइटल एंड ओसिपिटल लोब के बीच में। सो पेराइटल और ओसिपिटल लोब के बीच में ये जो फिशर है इसको क्या बोलते हैं, पेराइटो ओसिपिटल सल्कस या फिर पेराइटो ओसिपिटल फिशर। देन है ट्रांसवर्स फिशर, ट्रांसवर्स फिशर किसके बीच में, सेपरेट सेरिब्रम फ्रॉम सेरिबेलम। सो ये ट्रांसवर्स है इस तरह से, ये है ट्रांसवर्स फिशर, ये ट्रांसवर्स फिशर किसको डिवाइड कर रहा है, सेरिब्रम को सेरिबेलम, सेरिबेलम ये जो नीचे पार्ट है ब्रेन का इससे सेपरेट कर रहा है। सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में कौन सा फिशर है, ट्रांसवर्स फिशर। देन है लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर की मैंने पहले भी बात की है, जो सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। वो इस तरह से होता है, जैसे कि ये एक सेरिब्रम है, ये दूसरा सेरिब्रम है। सो ये बीच में जो फिशर है दोनों सेरिब्रम के बीच में वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। नाउ इन जो गायरी और सल्काई है इनका फंक्शन क्या है, जो गायरी और सल्काई हमने पढ़ी है इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन तो हमने पढ़ लिया कि जो डिफरेंट लोब्स है सेरिब्रम के उनको डिवाइड कर रहा है। सो ये गायरी और सल्काई जब डीप फिशर बनाती है, जिनको फिशर कहते हैं डीप ग्रूव्स को, तो वो डिफरेंट लोब्स ऑफ द सेरिब्रम को डिवाइड करती है। सो फर्स्ट फंक्शन तो यही है। सेकेंड फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इसका क्या मतलब है कि ये जो गायरी और सल्काई है इन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्ड्स बना रखे हैं, फोल्ड बना रखे हैं। फोल्ड्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैग पैकिंग कर रहे हैं, एक बैग में हम बहुत सारा क्लोथ्स डालते हैं, उन क्लोथ्स को हम फोल्ड कर करके बैग्स में डालते हैं। सो उससे क्या होता है, एक बैग में अगर हम फोल्ड कर करके क्लोथ्स को डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ आ सकेंगे। ऐसे ही यहाँ पर गायरी और सल्काई क्या बना रहे हैं, फोल्ड्स बना रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूरोन यहाँ पर पैक हो सकते हैं। सो जितने ज़्यादा न्यूरोन इन फोल्ड्स में पैक हो सकेंगे, जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे उतने ज़्यादा न्यूरोन होंगे। तो गायरी या सल्कस का क्या काम है, ज़्यादा फोल्ड बनाना। सो अगर ज़्यादा फोल्ड होंगे एक पर्सन में, इसका मतलब ज़्यादा न्यूरॉन होंगे। सो ज़्यादा न्यूरॉन होंगे तो एक पर्सन उतना इंटेलिजेंट होगा। सो जितनी ज़्यादा गायरी होगी किसी पर्सन के ब्रेन में, सो उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ गायरी एंड सल्काई। देन है अदर सेरिब्रल स्ट्रक्चर दैट्स अराउंड द वेंट्रिकल्स। अब सेरिब्रम में, सेरिब्रम के अलावा और कौन से सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स वेंट्रिकल्स को सराउंड करते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, डीप इन द ब्रेन हमारे ब्रेन में होलो कैविटीज यानी खाली कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इन खाली जगह में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। CSF का क्या काम होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना नर्वस टिश्यू को। सो इन वेंट्रिकल्स के साइड में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स को सराउंड करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया। सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया ये क्या है,
वैसे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और डीप विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर, यानी कि नर्व फाइबर्स. लेकिन कुछ स्पेसेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम के अंदर, डीप विद इन द सेरिब्रम, ऐसी है जहाँ पर सेल बॉडीज का ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बजाय और कहाँ कहाँ पर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है? डीप विद इन द सेरिब्रम कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई. सो ये न्यूक्लियाई कौन कौन सी है? सबसे पहले थैलेमस. थैलेमस मेड अप ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर्स. सो थैलेमस किससे बना है? सेल बॉडी से और नर्व फाइबर से. सो ये डीप विद इन द सेरिब्रम प्रेजेंट है थैलेमस. थैलेमस कहाँ पर, इसकी जो लोकेशन है वो है थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है थैलेमस. सो ये है थैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड किया हुआ है. इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी रिले सेंटर, मतलब कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट कौन रिसीव करेगा? थैलेमस. देन थैलेमस से इंफॉर्मेशन फर्दर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पास होगी. देन है हाइपोथैलेमस. सो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है. सो मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, ये भी नर्व सेल बॉडी से बना है. इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, प्लस मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. कैसे करता है? ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको कंट्रोल करता है. देन है बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियाई. ये भी किससे बना है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बना है. सो ये साइड्स में है बेसल गैंग्लिया ग्रीन कलर के. सो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बना है ये, मतलब ये भी व्हाइट मैटर ही है. फाउंड डीप इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है. इसका फंक्शन क्या है? इनिशिएट करता है, मतलब शुरुआत करता है, एंड कंट्रोल करता है फाइन मसल मूवमेंट को. सो दीज आर द अदर सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. देन है सेरिब्रम इज कॉन्ट्रालेटरली ऑर्गेनाइज. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला पॉइंट है कि सेरिब्रम क्या है? कॉन्ट्रालेटरली ऑर्गेनाइज है. कॉन्ट्रालेटरली ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? कि जो राइट हेमिस्फीयर है कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, एंड जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? राइट साइड ऑफ द बॉडी. सो दिस इज कॉन्ट्रालेटरली, कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, और एंड इससे अपोजिट जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.